मंगलम भगवान का पावन जन्म हुआ था। ऐसे काल पर्व का हमने आज महोत्सव मनाया। काल पर्व समझते हैं? ये श्री तेरस काल पर्व है, पवित्रता को बताने वाला है, क्योंकि आज महावीर भगवान का जन्म हुआ था तो आज अपन ने उत्सव मनाया, तो काल पर्व मनाया। इसको काल पर्व कहते हैं। एक क्षेत्र पर्व होता है, अयोध्या और समय शिखर जी, गिरनार जी, ये अपने क्षेत्र पर्व है। भाव पर्व होता है, भाव पर्व कब होता है? जिस रत्नत्रय की प्राप्ति महावीर भगवान को हुई वह रत्नत्रय हमें प्रकट हो, वो भाव पर्व है। समझ में आया ना? वो भाव पर्व, जैसा मांगलिक द्रव्य उनका है वैसा मांगलिक द्रव्य हमारा है, ये द्रव्य पर्व। कभी अभी कौन कौन से पर्व आपने मनाए है आप जानो, लेकिन काल पर्व तो मनाए आपने, बराबर। महावीर भगवान का नाम लेते ही सारे विश्व में एक शब्द गूंजता है, अनेकांत और स्यात्वाद। मैं उसी की चर्चा करने की कोशिश करता हूं। सभी लोग उसे जरूर समझे और ध्यान से सुनेंगे तो जरूर समझ आएगी। बहुत सरल चर्चा है। जिसे अनेकांत की श्रद्धा नहीं है वो जैन नहीं है, और जैनों में भी जैनत्व प्रकट करना हो तो उन्हें अनेकांत की श्रद्धा करनी चाहिए। क्या कहा? जिन्हें जैन होना हो, जैन होना माने कोई और नहीं, अपने को ही जैन पना, जैनत्व प्रकट करना हो, जैनत्व माने सच्चा सुखी हो, जैनत्व माने कोई सच्चा सुख प्रकट करना हो, जैनत्व प्रकट करना हो, कसाय का अभाव करना हो, भगवान जैसा सुखी होना हो, जरा सरल भाषा में कहो तो लौकिक में भी सुखी होना हो। आज घर परिवार में सुख शांति नहीं है, इसमें अनेकांत की समझ की कमी है। देखो, आपको लौकिक परिवार में, लौकिक व्यापार आदि में भी सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपको अनेकांत की खबर नहीं। मैं सरल कर रहा हूँ, पहले सरल, बाद में इसमें भी बताऊंगा कैसे। जिसे सारा जगत क्रोध की नजर से देखता है और अनेकांत उसे कहता है कि ये क्रोध नहीं है, करुणा, एक व्यवहार है, एक प्रवृत्ति। उसी प्रवृत्ति को एक पक्ष कहता है क्रोध है और दूसरा पक्ष कहता है कि ये करुणा है। अनेकांत है, अनेकांत, अनेक एंगल है, अनेक एंगल, अनेक धर्म है, अनेक स्वभाव है। अभी समझ में कुछ नहीं आया? नहीं आया ना? देखो, समझना ध्यान से। एक बालक यहाँ आया, एक युवक आया और वो जिनवाणी को पैरों में रखकर बैठ गया। पैरों में रख दी उसने, पैरों में रख ली टीचर, और मुझे गुस्सा आ गया। क्यों? तुमको तमीज नहीं? फोड़ो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। फिर भी बात समझाया कि जिनवाणी पैर में नहीं रखा करो, ऐसे अभिषेक किया जाता है। और मैंने उसे गेट आउट कर। तो आप में से जो जो सम्यक दृष्टि होंगे वे प्रसन्न हो जाएंगे, पंडित जी बिल्कुल ठीक जाता। और जितने मिथ्या दृष्टि होंगे भी कहेंगे देखो पंडित जी कितनी कसा है, भरी सभा में तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। आखिर तुम तो समझदार हो, वो तो बेचारा बच्चा है, नादान है, आपको तो समझदारी होनी चाहिए, डांटने की क्या जरूरत है? भाई साहब, जिसे आप क्रोध देख रहे हो उसे मैं भक्ति देख रहा हूँ जिनवाणी के प्रति। बोलो, आपके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के पेपर और कोई बच्चा लापरवाही से जमीन पर डाले तो आप धीरज रख पाओगे? आप पकड़ के दो तमाचे दोगे और भगा दोगे? आपको रजिस्ट्री की वैल्यू है,
आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू है, हमें ये चिन्वाणी माता की वैल्यू, हमें ये जिन्हें देव की दिव्य ध्वनि के वचन इसकी तुलना कैसे करें? बोलो, अब बोलो, भक्ति है कि क्रोध है? बोलो, एक 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 तरफ से लोग देख रहे हैं, एक ओर से देखने पर लगता कितने क्रोधी हैं पंडित जी, जरा सबर नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं हमें मंदिर नहीं जाने भैया, काहे कहते हैं तो भैया झगड़ा ही झगड़ा था, नहीं बहुत झगड़ा है, एक निश्चय का, एक व्यवहार का, एक फला का, एक उसका, एक इसका, और सबके अपने अपने ग्रुप, अपनी अपनी बात है। हे भैया हाथ जोड़े जैसे तो हम ही अच्छे, कैसे अच्छे, शांति से रेत तो है बुंदेलखंडी आ रही, आजकल तो खत्म सी हो गई है वहां से, क्या खत्म सी हो गई, वैसे सुनने को नहीं मिलती, पहले जमाने में मिलती। और सुना दू पंडित जी, देखो नए नए लड़के ना, नए नए लड़के देखो जी, पंडित लोग हो ना, जदागी देसी हो, उनसे तो हम ही अच्छे, बीत रागी तो हैं, हमें ये भेद तो नहीं है कि जो चैनों का मंदिर, जो हनुमान जी को मंदिर, हम बीत रागी तो हैं। और ये लोग तो कट्टर बिल्कुल, हमारा मंदिर, हमारी प्रतिमा, हम देखो भैया हमें तो कोई से राग द्वेष नहीं है, शुद्ध भोजन भी बीत राग भाव से खा ले, अशुद्ध मिल जाए तो भी होटल में मिले, मुसलमान की होटल में मिले, हिंदू की होटल में मिले, देखो हम तो बीत राग भाव से, निर्विकल भाव से, हम कोई विकल्प नहीं करते, जैसा मिल जाए वैसा खा ले। अब इन लोगों से बिल्कुल छू मत जाइए, बढ़िया से नहीं कर रही है, बढ़िया से नहीं कर रही है। बोलो भैया सच्चा बीत रागी कौन? मैं सच कह रहा हूँ, भले आप मुझसे नहीं कहो, लेकिन मैं तो मैंने आपकी अंदर की बात बता दी। आज जेनरेशन गैप जिसको कहते हैं ना, जेनरेशन गैप, नई जेनरेशन, नई पीढ़ी, और ये हमारी दादी माँ, हमारी माता है, ये जो व्रत उपवास करती है बुंदेलखंड में, कपड़ा बदलती है, हाथ नहीं लगाने देती, बच्चे को रोज डांटती है, घुस मत जाएगी चौका में, छू मत लेंगे, कितनी बार कह रही भाई चल। और पुराने जमाने अब तो कह तो समझ लो ये शिमला आ गया ना, पुराने जमाने में तो लकड़ी दिखा दिखा देती थी, आजा ले तेरे मुंह बाहर से, समझ में आया ना, माने इस तरह की वो। तो सारे बच्चों मुझे लगता था कि सारे पाप करो लेकिन भूल के भी धर्म मत करो, मंदिर गए और व्रत उपवास नियम संयम कछु करो तो पूरे घर में अशांति हो जाएगी। और ऐसे लोग पति देव कभी कभी आ भी जाते हैं, यदि कोई पत्नी धर्मात्मा हो तो पति देव कहते पंडित जी आप इतना समझा दो, इतो मत करो कि कलह हो। मैं गलत कह रहा हूँ? बोला मैंने आपने को ऐसा लगता है कि छू 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 नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप तो लेटरिन से आओ, सोचने की जरूरत नहीं पड़े, बटन दबाओ तो नीचे से अपने आप वो आ जाए। क्या घिना जैसी बातें हैं, कई कपड़ा पहन के चले आए, क्या कह मेरे भाई, वैसे ही कपड़ों से साथ से छू ले, वैसे ही वो कर ले, वैसे मैंने सब कुछ ठिकाना है कुछ आपको, आपको पता नहीं है आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो, आप महावीर जयंती मना रहे हो लेकिन आपको खबर ही नहीं महावीर भगवान के स्वरूप की। आज आपके 99% घर मुनिराजों के लायक नहीं बचे, कहां हवेलियों में रहते थे, हवेलियों में, हवेली समझते हो, जॉइंट फैमिली होती थी तो 25-25 कमरे होते थे हमारे पास, तो जो महिलाओं के दिवस होते थे काम नहीं करने के तो शुद्धता की व्यवस्था रहती थी, एक दूर का कमरा उन्हें मिल जाता था, आज दो तीन कमरे का फ्लैट बचा, अब सोफा सेट, उसी में पर्दा, उसी में बिस्तर, उसी में सब, कोई बगल में रसोई भाई, बगल में लैट्रिन, बिल्कुल लगे हुए दीवारें लैट्रिन बाथरूम की और किचन की। अब मुनिराज कौन के घर में, कौन के घर में प्रवेश कर सकते हैं, बोलो, इसलिए मजबूरी में अब चौका कान लगने लगे धर्मशालाओं। एक दिशाबोध नाम की पत्रिका है, दिशाबोध नाम की पत्रिका सीधा से चलती है कलकत्ता से, उसमें ये 15 साल बाद कैसे जैन धर्म होगा, कैसे जैन लोग होंगे, कैसा जैन धर्म की दशा होगी, 15 साल बाद का वर्णन लिखा है उसमें। उसमें ये लिखा है, मैंने एक दिन स्वप्न में देखा कि 15 वर्ष बाद क्या होगा, कि जब मैं मंदिर गया तो वहां रोबोट भगवान की पूजा कर रहे थे, रोबोट पूजा कर रहे थे, और जब मैं गया तो रोबोट मुनिराजों को आहार दान दे रहे थे। तो बोले क्यों रोबोट क्यों दे रहे थे, क्योंकि जो उनकी मर्यादाएं हैं, नियम है, रात्रि भोजन त्याग आदि,
वे सारे नियम 100% पालने में रोबोट समर्थ है। हम तो उस समय इतने 15 वर्ष बाद हमें तो कहाँ अंचना पानी का त्याग, कहाँ रात्रि भोजन का त्याग, कहाँ आलू अवक्ष का त्याग, इसलिए हमारी बस की तो नहीं है, तो रोबोट सेट कर दिए जाएंगे और वे मुनिराजों को आहार दान देंगे। ऐसा लिखा है उसी साहब, हम आपको चेता रहे हैं, वो पत्रिका भी आपको चेता रही भैया। हो सके तो एक बार फिर महावीर भगवान को पहचानो, जिसे आप क्रोध कह रहे हो, जिसे माताजी का क्रोध कह रहे हो, छूछू के नाम पर रागी देसी कह रहे हो, मंदिरों से आप विमुख हो रहे हो, क्योंकि मंदिर में बहुत रागी देसी चर्चाएं होती हैं, जितने झगड़े होते हैं मंदिर में होते हैं। ये बात नहीं भैया, झगड़े दो लोगों के बीच में है, निश्चय व्यवहार के बीच में नहीं है झगड़ा। न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन के बीच में झगड़ा नहीं है, झगड़ा है समझ और ना समझ। जो अनेकांत को समझेंगे, जो संस्कृति को समझेंगे, जो धर्म परंपराओं को समझेंगे, वे समझाते हैं बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा ऐसा नहीं करो, इसलिए वो झगड़ा हो जाता है कि तुम अपनी अपनी पुरानी बातें बंद करो। अब 99% लोग ना समझ हैं, बेचारे स्वाध्याय नहीं करते, मंदिर नहीं आते, पता भी नहीं कुछ, थोड़ा बहुत अभी दिख भी रहा कुछ, वो भी अभी गायब होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वो भी। अब बता उपाय क्या है, समझदार ना समझो को समझाएं कि नहीं समझाएं। बल हम 5,000 रुपए पर मंथ की इनकम है हमारी, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम 5,000 पर मंथ की इनकम है, घर में नई नई लाड़ी आई, तो लाड़ी को नहीं मालूम 5,000 की इनकम, उसने सोचा बढ़िया टेस्टी भोजन बनाया तो सबको आनंद आए, तो उसने भर भर कलछी घी डाली बढ़िया दाल की छौंक। अब बताओ सास क्या करे, बताओ, या तो 5 दिन में 1 किलो घी खत्म, और या फिर उसे टोके बेटा सुन 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 बेटा तनक घी का 1 महीना चलाना बेटा, 5,000 रुपया बहुत कम होते ही, उसी में से 800 रुपया 1,000 रुपया पहले वो चले गए मकान के, फिर फला के चले गए, फिर बेटा बहुत खर्चा है बेटा, अब हम घर देख के चलो, घर देख के चलो। अब उसे ये लगता है कि हमें एक तरफ तो अच्छे से छोकर नहीं दे, और फिर कहती रोटी दाल सब्जी अच्छी नहीं बनाती, अब हम क्या करें, अब झगड़ा शुरू। अब उपाय कहां से निकलेगा बोलो। समझदार माँ पूरे घर का गणित जानती है, वो बहू को कैसे समझाए बोलो, और समझाती है तो उसे लगता है बार बार मैं टोकर दे जी रे कम डारो, धना कम डारो, जी कम डारो, अब क्या करें बोलो। एग्जाम्पल है, जैसे घर में झगड़े हो रहे हैं ना, ऐसे ही मंदिर में झगड़े हो रहे हैं। जो समझदार विद्वान है, सीरियस है, गंभीर है, नई पीढ़ी उनकी सुनना नहीं चाहती, नई पीढ़ी को ये लगता चुप रहो, जो हम कर रहे हैं आप देखते रहो। आप बताओ क्या करें, ज्यादा नाराज हो गए तुमने, कर लो तुम्हारा मंदिर तुम संभालो हम चले। वैसे तो हम आते नहीं, साल भर में 10 लक्षा में आ जाते थे, ओके एक महावीर जयंती के दिन आ जाते थे, सो भी तुम हमारे अनुसार नहीं चलोगे, कभी सम्मेलन नहीं करने दोगे, कुर्सियां नहीं बिछाने दोगे, तो हम जे भी चले छोड़ो, ले तुम ही करो। मैं आपको बहुत हृदय से कह रहा हूं, आप ऐसा करते हैं तो आप महावीर भगवान का अपमान करते हैं, आप उनको समझते नहीं। अब अनेकांत को नहीं समझते, देखो मैंने लौकिक समस्याएं बताकर क्या बताया, आप अनेकांत को नहीं समझते। मैं अभी कलकत्ता गया तो मेरे पास प्रवचन सुनने के बाद एक दो महिलाएं आई, उन्होंने मेरे से पूछा पंडित जी हम गुस्सा का आया, समझ गए क्रोध क्यों आता है। मैंने उस महिला से कहा कि आज तक तुमने क्रोध किया नहीं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसी बात कर रहे पंडित जी, हम तो क्रोध करते हैं, हमारी बच्ची है, बच्चे हैं, हम इन्हें मार देते हैं, हम इन्हें डांट देते हैं, और आप कह रहे क्रोध नहीं किया। मैंने क्रोध कहते हैं, द्वेष कहते हैं किसी के अहित करने के अभिप्राय। क्या कोई मां अपने बेटे का अहित करना चाहती है, क्या कोई पिता ये चाहता है कि ऐसा मौका कब मिलेगी बच्चे की पिटाई कर दूं, कब मौका मिलेगी बच्चे को खूब डांटूं, कब मौका मिलेगी बच्चा पढ़ नहीं पाए, कब मौका मिलेगी बच्चे का व्यापार का सत्यानाश हो जाए, इसकी हेल्थ खराब हो जाए, बोलो कोई है माँ बाप है, कोई नहीं। मैंने कहा वो आपकी करुणा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति क्रोध रूप में है। क्या किस रूप में है, लगता है क्रोध है वो करुणा। एक माँ कहती मर जा नहीं तो पढ़, नहीं पिटाई कर दूंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी,
बोलती नहीं बोलती है, मुंह से कहती है गधा कहेंगे, अक्कल नहीं है, बिल्कुल ढेर सारी भाषा बोलती है। उसके अभिप्राय से पूछो, वो कहती है मेरा राजा बेटा है, मेरे स्वप्न में भी नहीं कि गधा बने। अब आप बोलो कहां से नापोगे, वचनों से नापोगे कि अभिप्राय से नापोगे। इसको हम कहते हैं अनिकान, एक ही परिणति में अनंत धर्म रहते हैं। जिन्हें झगड़ा करना होता है, आज हर लड़के को हर बहू को अपने सास ससुर से शिकायत, और जबकि मैं कहता हूं कि हर लड़के और बहू के जो माता पिता सास ससुर हैं वे देवता हैं। मैं कह रहा हूं देवता हैं, और उन्हें चूंकि अलग होना है, अलग होना सेपरेट, तो विशेष बहाना कर देते, जब देखो जब टोकते रहते हैं। हमने कितनी बार कह दिया डोंट इंटरफियर, यदि आपको हमारे साथ रहना है तो बहू की सुनना पड़ेगी, आप चुपचाप खाएंगे, और नहीं तो फिर आप निकल जाएंगे। मुंह से नहीं कह पाते तो चुपचाप अलग हो जाते हैं, जी क्या मतलब निकला है। देख लेना 99% घर इसलिए टूटते हैं कि टोकने की क्या जरूरत है, टोको मत, रोको मत, हमें कुछ कहो मत। 20-22 साल का लड़का था, अपनी लाड़ी को लेके आया, लाड़ी तो समझते होंगे हम, पत्नी को, बहू को। अभी वो 9 से 12 पिक्चर देखने चला गया, पिताजी ने बहुत नाराज हुए, बेटा ऐसा नहीं, हमने कितनी बार कहा तुम 9 से 12 नहीं जाएगा। अब उसको इंसल्ट लग गई, ईगो है ना, ईगो, मेरी पत्नी और मैं उसका राजा, मैं वर्ल्ड का राजा हूं, और तुमने मेरी इंसल्ट की, तुम क्या समझते हो मैं कमाने वाला हूं। क्या चिंता नहीं होता बेटा, तुमने इसलिए कहा बेटा अखबार भरे पड़े, 4 आदमी तुम्हें पकड़ के इतर डाल देंगे और किडनैप कर सकते हैं, लूट सकते हैं, तमाम अपनी मर्यादा चली जाएंगी, कल को बहू को जिंदगी भर निकलना मुश्किल पड़ेगा, समाज ताने देगी, और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लोग हमसे कहेंगे देखो फला की बहू, देखो फला की बहू, देखो बेटा तुम मर्यादा समझ के चला, बेटा ऐसे कपड़े और गहने पहन के रातों में मत जाओ, बेटा ऐसी गलियों में समझ निकला करो, बड़ी सड़क पे चलेगा कोई दिक्कत नहीं, बेटा समाज में उन रिश्तेदारों के घर मत जाया करो बेटा। अब जे भी कोई एंगल से कहते हैं, वे तुम्हारा ईगो हर्ट करने के लिए नहीं कहते, वे तुम्हारा सम्मान बढ़ाने के लिए कहते हैं। देखो अनिकान, तुम उसे ईगो हर्ट समझते हो, हम सोचते हैं वे तुम्हारा ईगो बढ़ा रहे। दो एंगल हो गए ना, दो एंगल। यदि आप मेरी ये बात समझ जाए आज, तो मैं सोचता हूं तो हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। आप, मैं फिर कहता हूं मेरा तो बस नहीं चलता, मैं सोचता तो हूं कि एक बार संकल्प कराऊं तो अगली बार जबलपुर आऊं, नहीं तो कहूं नहीं है। ये संकल्प करो कि हम अनिकान को समझेंगे, हम अपने माता पिता को एनिमी नहीं समझेंगे, शत्रु नहीं समझेंगे, उनकी मर्यादाओं का पालन करेंगे। आपकी जरा से मर्यादा के उल्लंघन से जैन शासन की हंसी होती, मोक्ष मंडल की हंसी होती, गुरुदेव की हंसी होती, हमें तकलीफ होती, हम कैसे आए बोलो। जब आपके माँ बाप हमसे शिकायत करें क्या करें पंडित जी, अब दिन काट रहे हैं पंडित जी, अब ठीक है, पंचम काल है। जो अनुभवी है ना, अनुभवी, मैं इसको बहुत अच्छे शब्दों में समझा सकता हूँ आपको, कौन सी पाठ पढ़ा रहा हूँ याद है आपको, अनेकान, एक ही पर्याय को एक ही समय में अनेक एंगल से देखना, ये अनेकान। कहना स्याद बात है, कहना स्याद बात है, कहने में एक एंगल आता है, कहने में एक समय में एक एंगल आता है, उसी समय अनंत एंगल जो होते हैं वो अव्यक्त होते हैं, उसको अनेकान कहते हैं। आप तो समझ में आ गए कोई अनेकान, तो स्याद बात बहुत सरल, अभी मैं और समझाऊंगा आपको, इसी में से समझाऊंगा फिर अनेकान। समझ में आया, एक वस्तु में एक साथ अनंत धर्म पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, अनंत धर्म, एक वस्तु में एक साथ कितने धर्म पाए जाते हैं, अनंत धर्म। मतलब क्या, धर्म माने गुण, धर्म माने शक्ति, और धर्म अंत 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 अनेकांत, तो अनेक धर्म, अनेक अंत, अनेक गुण, अनेक शक्ति, 4 शब्द हो गए, धर्म गुण शक्ति 3 हुए, धर्म गुण शक्ति, ये अनंत पाए जाते हैं। जिस समय तुम्हें लग रहा है पापा बहुत खराब हैं, हम पूछ रहे हैं बताओ उसी समय पापा अच्छे हैं कि नहीं, है कि नहीं, और ये सब बच्चों को मालूम, देखो आपको भी मालूम है, लेकिन चूंकि आपको विसंवाद बढ़ाना हो, सेपरेट होना हो, माता पिता की आज्ञा नहीं मानना हो, तो आप एक पक्ष को मुख्य करते हो। वैसे हम ध्यानस्थ हैं कि उनको हृदय साफ है,
वैसे उनको अभिप्राय तो अच्छा है, लेकिन ऐसे काहे बोलत देख लेना आप 99% की यही प्रॉब्लम होगी, ऐसे क्यों बोलते, हम चाहते उनके शब्द भी अच्छे हों। बोलो एकमात्र डॉक्टर हो, एकमात्र डॉक्टर आपका ऐसा रोग हो गया कैंसर का कि एक ही डॉक्टर है, और तुम ज्यादा तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा ए इलाज कराना है कि नहीं, ऐसे बोला वो। पकड़ लो इसके दोनों हाथ, दोनों पैर पकड़ो इसके, एक देंगे मिला के बंद कर मुंह, उधर मुंह पकड़ लो इसको, देखा कभी डॉक्टर को देखा है हाथ पैर पकड़ लेते मुंह ऐसे ए, रोए हो तो समझ लेना दो पड़ेगी। बोलो आइए वो डॉक्टर उपकारी है कि अपकारी है बोल बता सकते हो, बाद में उस समय तो तड़प है तकलीफ में, बाद में कहते हैं भैया डॉक्टर साहब आपने हमें प्राण दान दिए, आपने हमारा जीवन दिया, कब बोले समय निकलने के बाद, ऐसे ही माँ बाप का उपकार याद आता है मरने के बाद, या चोट खा जाने के बाद, जब 10-5 लाख रुपए चटपट हो जाए, हेल्थ चली जाए, इज्जत चली जाए, व्यापार का नाश हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी बोल गए 4-5 पॉइंट। मैं आपको ऐसे सैकड़ों लड़के दिखा सकता हूँ जिन्होंने अपनी हेल्थ खो दी माँ बाप की अवज्ञा में, बहुओं ने अपनी हेल्थ खो दी माँ बाप की अवज्ञा में। आज जितने नर्सिंग होम सेंटर चल रहे हैं ना, ये माँ बाप की अवज्ञा में चल रहे हैं, और नहीं तो गारंटी है जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनको 90% पैसा मेडिकल में नहीं जाता। अब 20-22 साल की बहू कल तक कॉलेज में घूमती थी, उसे बेचारी को क्या मालूम जुकाम में क्या होता है, दादी माँ होती थी घर में, सास होती थी, बेटा कुछ नहीं करो, दवाई ववाई कुछ नहीं चाहिए, काहे के चेकअप 100 रुपया चेकअप की फीस काहे की, कुछ नहीं एक लौंग दे दे पिया दे दे आजकल के लोग ये ही नहीं समझते क्या समझते, एक हिसाब है डॉक्टर के पास जाओ, पहले चेकअप कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, 10 टेस्ट कराओ, और फिर वो लड़का लंबे चौड़े पर्चे लिखता है डॉक्टर, और फिर उसको बड़ा मजा आता है, मेरे बच्चे को 200 रुपए पर डे की दवाई चल रही है ऐसे गर्व के साथ, और डॉक्टर ने कहा फला फला टेस्ट करो, स्टूल टेस्ट फला टेस्ट, मैंने इसमें गौरव मानते बोला। मैं आपको सच कहता हूँ आपको 90% बिल नहीं बनेंगे मेडिकल के, क्योंकि 80-90 साल की महिला, 60-70 साल के महिला पुरुष 80% डॉक्टर होते हैं अनुभव से, और वो अनुभव ट्रांसफर होते थे, अब अनुभव समाप्त हो गए, क्या बताएं आपको, स्वास्थ्य खोया, कई बार व्यापार खोया माँ बाप की अवज्ञा में, एक नौकर का भरोसा, और सगे भाई को दुकान में बिठाए तो ऐसे बार बार काउंट करे रुपए, क्यों तुमने 10 रुपए निकाल ली, अब पत्नी को मालूम पड़ गया देवर जी चोर हैं, इस दुकान में से 10 रुपए चुरा ली, मैंने सर्वेंट का भरोसा और सगे भाई का भरोसा, 10 रुपए चोर है, अब उसकी संपत्ति नहीं है, उसने दिन भर काम किया, वो कोई मायने नहीं रखता, वो सगा ब्लड नहीं है, वो स्वामी नहीं है दुकान का, क्या कह, अपने बड़े भाई का लड़का चौके में आया और एक आम उठा के खा के चला गया, और हम जिंदगी भर ढोल पीटते रहे भैया हमारे भतीजे चोर हैं, हमें देख रेख के रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, आके केला खा गया, केला खा गया भाई साहब, ये उसका घर है, चाचा का घर माने उसका घर, आपने अपने अंदर भी दीवारें बड़ी कर ली और इतने इतने प्यारे बच्चों के दिमाग में भी दीवारें बड़ी कर दी, बता काय को भूल कर अनेकांत को, आप सोच रहे थे कहा को अनेकांत आएगा, यहाँ सोने का सुनो नहीं, मैंने उस बात का एग्जाम्पल दिया कि लौकिक में सुख शांति इसलिए नहीं आती। बोलो अभी परमार्थ बताऊंगा, परमार्थ भी बताऊंगा, जब तक मैं हूँ तब तक मैं सोच रहा हूँ अनेकांत याद बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप ऐसे समझना जिसे आप क्रोध कहते हो उसे हम दया कह सकते हैं, करुणा कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं। बोलो बच्चा दवाई नहीं पी रहा और माँ को करुणा, ये बेचारा तड़पेगा रात भर, अभी दवाई नहीं पिएगा तो रात भर तड़पेगा, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, फिर वो इसका रोग बढ़ जाएगा, तो माँ उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ लेती है, नाक बंद कर देती है, और बच्चा बिलक रहा है, बता अब बोलो माँ दुष्ट है कि करुणा है,
जिन वाणी के प्रति मंत्र के प्रति भक्ति थी, क्रोध नहीं था, भक्ति थी वो, भक्ति थी वो, डांटना भक्ति है वो। लिखा है ग्रंथों में मूलाचार्य जी वगैरह में, धन है वे गुरु जो ताड़ना देकर के भी शिष्यों को हित के मार्ग में लगाते हैं, और ऐसे गुरु करोड़ों शत्रुओं के समान जानकर दूर से त्याग देना, जो मीठा मीठा बोले और दोष को छिपाए। पढ़ो, ते गुरु मेरे चित बसो। आए समझ आया भैया? इसलिए आप हर पर्याय को, हर बात को, हर बात को, अनेकान माने मंदिर की चीज नहीं, अनेकान माने किताबों की चीज नहीं, अनेकांत माने मुनिराजों की चीज नहीं, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक हालत में, दशा में, तुम जहाँ खड़े हो, तुम एकांत मत देखो। हमारे पिताजी खराब ही हैं भैया, उनसे हमारी नहीं पटरी ख्या सकत, उनसे हमारा मेल नहीं हो सकत, वे तो भैया दुष्ट धरे बिल्कुल। एक एक पक्ष हुआ, दूसरा पक्ष बोलो आप, क्या माँ बाप कभी भूल करके स्वप्न में भी बच्चों के शत्रु हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? कल्पना तो करो भाई साहब। मैं सचमुच मुझे ऐसा लगता है जो भी सेपरेट हो ना, अब तो ऐसा लगता है कि आप 25 साल जब बच्चे को पालो तो मूवी बनवाओ उसकी कैमरा, और फिर उसे दिखाओ बेटा। मैं बताऊं एक चित्र, छोटा चित्र बताऊं, एक बच्चे को एक घंटा रखना कितना मुश्किल होता है, एक घंटा। 5 साल का बच्चा इतना एटिकेट वाला नहीं होता कि सोफा सेट पे सीधा एक घंटा बैठा रहे, वो खेलता हुआ धूल में से आया और सोफा सेट पर उछलने लगा, तो मम्मी ने कहा उसको नहीं, उसको नहीं, तो खिड़की खप खप करने लगा, खिड़की नहीं करो, चलो चौका में। हमारे चौका में गए तो मसाले सब्जी में मिला, अरे मर गए प्राण खाए, चलो उधर बाहर चल, सोने सारे जूते और चप्पल फेंकने लगा। पढ़ो पढ़ो, इधर आओ इधर आओ, पढ़ो। कितना भाई साहब, एक एक दिन बच्चे के साथ काटना, और क्या करना है? तुमने 25 साल की मेहनत को माँ बाप को शत्रु कह दिया। जिस माँ ने जन्म लेते थे ये भावना भाई की बहू आएगी, गहने जोड़े, पैसे जोड़े, सारा काम जोड़ा, और तुमने एक सेकंड में किक आउट। मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दर्द होता है, आजकल की बहू जरा में कह देती है बेचारे भी तो सीधे साधे हैं, मतलब हमारी दूध दे बात बे थोड़ी प्याऊ कौन अम्मा, तो 25 साल तो मैंने कर दो भैया। क्या गजब है, सोच तो देखो, मैंने कितनी पुअर थिंकिंग। वनिता बोधनी ने इतना अच्छा लिखा है, आज तुमने जिस पति को पसंद किया, जिसका रूप पसंद किया, जिसके संस्कार पसंद किए, जिसका स्वास्थ्य पसंद किया, जिसकी शिक्षा पसंद की, जिसका पैरों पर खड़ा होना पसंद किया, इतनी बातें पसंद करके शादी करी नहीं करी? इतने सारे गुण के सास ससुर की कृपा जानो, ये उनका उपकार जानो, इसलिए इस ऋण को चुकाने के लिए सदा उनकी सेवा करो। लिखा है वनिता बोधनी ने, सेवा करो क्या, यदि तुम्हारा मिस्टर सिगरेट पी रहा होता तो पूरी जिंदगी वाली बदबू बर्दाश्त करना पड़ती, तुम्हें पुड़िया खा रहा होता तो बर्दाश्त करना पड़ती, रात्रि भोजन और रात को वो शराब पी के आता तो तुम्हारा पसीना छूट जाता एक एक दिन। आज वो सप्त व्यसन से रहित यदि पुरपति मिला है तो अनंत उपकार जानो माता पिता का, उन्होंने एक एक दिन कैसे रोक रोके, टोक टोके, गली में मत जाना, उधर मत खेलना, उनसे दोस्ती नहीं करना, हे सीधे घर आया करो, वो जो रोक रोके, टोक टोके, रोक रोके, टोक टोके, जो उन्होंने एक 25 साल की प्रतिमा बना के दी है आपको, और हम उनका एहसान नहीं मानते। और गजब बात तो यह है कि बहुएं तो सच्ची बात कहें तो बहुओं का कोई दोष नहीं होता, वो लड़के ही उनके कान भरते। अभी आपको ये मालूम होगा कि लड़कियां कान भरती, मैंने बहुएं कान भरती, नहीं सच्ची बात है कि लड़का कान भरते हैं, आपको पता है? कुछ नहीं मालूम। अब आप लोगों की बात ये इसलिए आप काफी भूलो, बेचारी बहुओं को बदनाम करते हैं। मैं स्पष्ट हूँ, पहले दिन बहू आती तो बिल्कुल क्लीन आती, उसे कोई दिमाग कोई मालूम थोड़ी होता है, वो यही सोचता हम सबका आदर करेंगे, सबका प्यार मिलेगा, वो ऐसा सोच के आती। लेकिन जैसे पिता, तो पिता के लिए तो लड़का लड़का ही है, 50 साल के पिता को 25 साल का लड़का तो लड़का ही है, तो वो थोड़ी अदब से बोलता है, श्रीमती जी बोलती है सुनो जी, पिताजी थोड़ी बोलते, पिताजी सुन लल्लू,
जो भी बोलते हो कल्लू लज्जू और मान चलो उसने नुकसान कर दिया, कोई बात कहना है, डांटना है, टोकना है, तो फॉर्मेलिटी में थोड़ी टोकते हैं अपन, तो खड़ी भाषा में टोकते हैं बुंदेलखंडी में, समझ गए? कह रहे सत्यनाशी आग लगा दी दुकान में, मिटा दियो तुम बिल्कुल। अब उसी समय उसे क्या लग रहा है कि ये सब बातें पत्नी सुन रही होगी तो उसे क्या हो रहा होगा, फिर वो अकेले में जाके सफाई देता है, अकेले में जाके, ये इसको मैं कहता हूँ कान भरना। अकेले में जाके पत्नी से कहता है, तुम देखती हो मैं कितना काम करता हूँ, लेकिन पिताजी को कोई वैल्यू नहीं, तो बड़े भैया देखो 8 बजे सो के उठते, कुछ कोई वैल्यू नहीं है, देखो क्या होगा, बस भैया को घूमने को लिए जाना हो तो जल्दी जा सकती, वे शादी में जाएंगे तो जा सकते, एक हम नहीं जा सकते, देखो कल ही मैं कहूंगा पिताजी से पिक्चर जाना है तो मना कर देंगे, देख लेना। अब उसने वो चारों तरफ से कौन ने कान भरे भैया, और बड़े भैया भी डांटते हैं, देखो फला भी डांटते हैं, देखो मैं क्या करूं, वो तो मैं सब बर्दाश्त कर लेता हूं, तो फिर वो कहती काहे को बर्दाश्त कर, चलो चार छह महीने, फिर वो भी कहती जाती, फिर देखो आज बड़े भैया के लाजे बड़ो आम रखो अम्मा, और तुम्हारे लाजे सड़ो आम रखो, देखो खैर ये तो मैंने आज वो तुम्हारे थकान थी ना दिन भर की, इसलिए आने कान का इतना सरल स्वरूप सब। मेरा मतलब है भैया आप अनेकान, एक एंगल तो आपने बताया पिताजी का, दूसरा एंगल बताया कभी, जिसको कहते हैं एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कोई धर्म के नाम पर नहीं होता पंडित जी, आत्मा के नाम पर मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं होता, आप समझना, सभी लोग समझना भैया। आज बहुत दुख की बात है कि अनेकान का इतना व्यापक स्वरूप नहीं सोचते, नित्य अनित्य नित्य अनित्य में तो लगाएंगे, शुद्ध अशुद्ध में तो लगाएंगे, कर्ता कर्ता में तो लगा लेंगे, लेकिन आप पिताजी का एक एंगल से ही देखना सीखे हो, ये मिथ्या तो एकांत है, आप पिताजी को अनेकांत से देखो, आपको कभी उनकी डिसओबे करने का मन नहीं होगा, आपको अनादर करने का मन नहीं होगा। हम केवल माता पिता का ही नहीं कह रहे, ये तो दृष्टांत में माता पिता ले लिए, बताओ आज स्टूडेंट और टीचर के बीच में कितना गैप है, कम है, बताएं कितना बड़ा गैप है, बताओ बाप बेटे के बीच में कितना गैप है, बिजनेस के नाम पर कितना गैप है, अरे और जाने दो ट्रस्टियों के बीच में और समाज के बीच में कितना गैप है, बोलो। मैं सच कहूं आपको, मैंने आज इन दोपहर में इन लोगों को एक बात बताई थी, वो आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में रेलवे में कितने कर्मचारी होंगे, सारे सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ठीक। शराब पीने वाले भी रेल चला रहे हैं, शराब पीने वाला गेट कीपर है, शराब पीने वाला भी कोई स्टेशन मास्टर है, गांजा भांग खाने वाले भी हैं, ये करने वाले भी हैं, झूठ बोलने वाले भी हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में सारे गंदे लोग अपन अपनी भाषा में कह रहे हैं, इसके बावजूद इतने बड़े देश का प्रशासन रेल का बढ़िया चल रहा है, टाइम पे रेल आ रही है, सिग्नल दिए जा रहे हैं, हर 10 मिनट में सिग्नल दिए जा रहे हैं, जगह जगह गेट कीपर जगह जगह सिग्नल दे रहा है, पूरा जरा माओवादियों ने उखाड़ दी तो फटाफट 5-10 घंटे के अंदर व्यवस्था कर दी गई, फिर पटरी डाल दी गई, कहीं भी पटरी उखड़ जाए 10-5 घंटे के अंदर व्यवस्था कर देना, इतने बड़े इंडिया में जहां 25-50 हजार किलोमीटर की रेल लाइन बिछी हो, आप कल्पना कर सकते हैं, कोई टेंशन में नहीं, आप जाकर देखो रेलवे स्टेशन मास्टर शांति से बैठा है, गेट कीपर शांति से बैठा है, टाइम टू टाइम ड्राइवर आ रहा है, टाइम टू टाइम रिजाइन हो रही है, टाइम टू सारा काम हो रहा है, बताओ इतना बड़ा देश कितनी शांति से चल रहा है, देखो रेलगाड़ी का बताई मैंने आपको, और समाज में हमें एक मीटिंग करनी हो, एक मीटिंग कि कल महावीर जयंती है, और कहो उसमें तनाव हो जाए, विवाद हो जाए, हमारी क्यों नहीं सुनी, नहीं सुनी तो हम अलग और तुम अलग, अब एक जरा 24 घंटे का भक्तामर कर लो, विधान करा लो, भक्तामर तो अभी मैं नहीं कहता 24 घंटे का, लेकिन आप विधान करा लो, एक विधान में जितनी सुख शांति नहीं मिलेगी और विधान कंप्लीट होने के बाद इतनी सारी गांठें मिलेंगी, गांठें, अच्छा तो फला भोजी नहीं आई, अब देखें तो विधान में फलाचंद जी नहीं आए इतने बुलावे के बाद, अब हम अब भी कराने विधान करा देखें, हम भी नहीं देखें, 100 गांठ बांध ली आपने, बताओ इससे तो वो मिथ्या दृष्टि की रेल अच्छी है। हम जैन शासन रूपी जैन शासन की प्रभावना रूपी रेल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, केवल छोटी छोटी बातों में, और छोटी बात का आधार बता सकते हो, अनेकांतो स्यादवाद की खबर नहीं होना, कई खबर नहीं है, नहीं कोई को समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बोलता हूं,
आपको हर अवस्था में, हर दशा में, हर पर्याय में अनेकान लगाना है। सरल करें इसको थोड़ा सा और। अनेकान किसको कहते हैं कौन बता सकता है? अनेकान किसको कहते हैं? अभी इतनी देर बता चुके हैं, एक वस्तु में अनंत एंगल है, अनंत धर्म है, अनंत गुण है। एकांत किसको कहते हैं? कि हम उसे एक एंगल से ही देखते हैं, अन्य एंगल नहीं देखते, इससे हमें टेंशन क्रिएट होती है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर एक दूसरे पर विश्वासघात होता है और फिर सारे तनाव की जड़ हो जाती है ना। ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। सियादवाद किसको कहते हैं? सियादवाद किसको कहते हैं? एक अपेक्षा से कहना, क्योंकि वस्तु का ज्ञान तो पूरा है लेकिन कहने में एक अपेक्षा आ सकती है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, पंडित जी के बारे में आपको कितना परिचय है? समस्त प्रकाश जी के बारे में कितना परिचय है? बहुत सारा परिचय है, आपकी नॉलेज में बहुत है, लेकिन पूछेंगे तो कि साहब उनका खान पान शुद्ध है, तो खान पान शुद्ध है तो एक ही बात हुई, तो बस खान ही पान शुद्ध है बस कि नहीं दिखा, उनके कपड़े भी अच्छे हैं। तब दूसरे वचन में दूसरा एंगल आया, आज समझ में आया। अब प्रश्न ये है कि तुम्हें सुखी होना है कि दुखी होना है? क्या होना है तुम्हें? होना है दुखी। अब दुखी होने का एंगल बताता हूं, देखना जरा। अशोक जी अब हमारी इनकी नहीं बनी, क्योंकि हमारी जब ट्रस्टी की मीटिंग हुई थी तब हमने कोई बात रखी, इन्हें बस फौरन कह दी चुप रहो पंडित जी, यहां मत बोलो। अच्छा तुमने हमारा अपमान किया, अबे इनका पुण्य का होता है तो हम कुछ कह तो पाए नहीं, हमारी चली भी नहीं, हम चुपचाप चले गए उठ गए। उसी दिन से हम एकांतवादी हो गए। एकांतवादी कैसे हो गए? देखो दृष्टांत देख समझो, अब इन्होंने पंच कल्याण में कछु बने, इंद्र बने, कोई बात बने, तो लोगों ने बड़ी प्रशंसा करी, भैया अशोक जी तो गजब के व्यवस्थापक हैं, गजब के इंद्र हैं, गजब के व्रत उपवास करने वाले हैं, ऐसा बोले। अब देखो मैं एक उत्तर देता हूँ आपको, क्योंकि जब मुझे ये बुरे लगते हैं तो मुझे अनंत गुण दिखाई नहीं देते, मुझे तो वही वाली याद, वो उस दिन वाली घटना याद आ रही कि इन्होंने भरी सभा में हमारी बात नहीं मानी। होता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जिस दिन बच्चा गलत काम करता है उस दिन बच्चे में अच्छाइयां दिखती है, गलत ही गलत दिखता है। क्या दिखता है? क्यों नौकर गलत काम करे तो नौकर में अच्छाइयां दिखती है, कमी दिखती है, इसीलिए अपन ढेर सारी गालियां दे देते हैं, चोर है, भेदा है, बेईमान है, आलसी है, नहीं बोल देते। मैं एक बात पूछता हूँ, इतने खराब है तो रखते काय के लिए हो? बताऊ काय के बल पर रखती हूँ? अनेकान के बल पर। क्योंकि उसी समय मालूम है कि भैया इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो है ना, चलो अब मैं वापस आता हूँ। तो जैसे ही तारीफ करिए बहुत अच्छे व्यवस्थापक है, तो मेरे मुंह से फौरन निकलेगा काय के व्यवस्थापक है, नाम बढ़ाई के लाजे काम कर। वैसे जरूरत पड़ जाए तो कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, वो तो तुम आए ना पंडित जी, इसलिए वे आगे दिखवे के लाजे, फोटो खिंचवावे के लाजे। देख लेना आप ऐसे बोलोगे आप। फिर किसी ने तारीफ करी, पंडित जी आपको मालूम नहीं है उनका नेचर बहुत अच्छा है, व्रत उपवास करती है। हो व्रत उपवास करवे से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाए, सब जड़ की क्रिया है। देखो कोई कह के भैया मैं बहुत बढ़िया स्वाध्यायी है, हाँ स्वाध्याय पढ़वे लिखवे से कछु नहीं हो जाए, कारो अक्षर भैंस बराबर, कछु उतरे तो कछु फायदा। माने आप जितने जितने गुण बताओगे मैं अपनी एकांत दृष्टि के कारण उन सबको उल्टा ही देखूंगा। इसको आप अपनी भाषा में कहते हो, जब हमारा इंटेंशन चेंज होता है तो सामने वाले आदमी के गुण नहीं दिखते, दुर्गुण दुर्गुण ही दिखते हैं। बराबर, ये तो दृष्टांत दिया मैंने अनेकांत। अब ऐसी आत्मा में लगा दो, जब तुम मिथ्या अभिप्राय होता है, इंटेंशन अपोजिट होता है, तो तुम्हें आत्मा के अनंत गुण नहीं दिखाई देते, तुम्हें अनंत धर्मात्मा को हो आत्मा दिखाई नहीं देता, अनंत पावर वाला आत्मा दिखाई नहीं देता। और यदि आचार्य जिनवाणी में दिखावे तो भी हम उसका मटिया मेट कर देते हैं, उल्टा ही देखते हैं। जैसे देखो ये लिखा है इसमें, आत्मा तो मुक्ति को स्पर्श करती है। देखो लिखा है, पढ़ के सुनाओ, समझना मैं समझाता हूँ। देखो जिसको सुखी होना होता है ना, तो इस हाथ के दो एंगल हैं, समझ गए? ये हाथ कैसा है, गोरा है कि काला है? गोरा है। और ये कैसा है? अब देखो जिस आदमी को दुखी होना होता वो इधर इधर फिर तो मेल छा, तो वो इधर
इधर देखेगा। हम कह रहे तुझे प्रसन्न होना तो कभी इधर भी तो देख। ठीक है, आत्मा शुद्ध है, रागी है, द्वेषी है, पापी है, लोभी है, सब है, मानी है, कसाई है, और मनुष्य है, स्त्री है, हाँ सब बिल्कुल ठीक। एक एंगल आपको करेक्ट, भाई साहब इस एंगल को देखोगे तो दुखी दुखी तो होगे। एक बार अच्छा देखे तो एक बार मेरी कही मान इधर से भी तो देख ले एक बार। अब वो तो ठीक है, बस ठीक है, तू तो त्रिकाली क्या है, भगवान आत्मा है, हाउ बस कहो ये मुंह बिचकार। हमने कहा देख भैया तू तो शुद्ध आत्मा है, हाउ सो वो तो एक इंद्री पेड़ सोई है, बस कहो एक इंद्री पेड़ में भी वही कारण परमात्मा है, बस कहो उसे। मैंने ऐसा लगता है जैसे उससे कुछ होगा ही नहीं, वही समझ में आ रहा है आपको। मैं उस सरल एग्जाम्पल दूंगा आपको, 1 करोड़ का हीरा और गटर में गिर गया, गटर में गिर गया और लथपथ हो गया, लथपथ समझ गए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताओ हीरा गंदा है कि शुद्ध है, बोलो भैया, देख के बोलो, देख के बोलो। अब देखो शुद्ध बनिया होगा तो अनेकानवादी होगा, शुद्ध बनिया वो क्या है पंडित जी, ऊपर ऊपर से तो गंदा है। देखो हुआ ना निकालवादी, बोला आप किसके बल पर निकालोगे, गंदगी के बल पर कि अंदर 1 करोड़ की वैल्यू सुरक्षित है और वो जो गंदगी उसके अंदर नहीं घुस गई, ऊपर ऊपर है तो आप निकालोगे नहीं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, किसके बल पर निकालोगे, फिर लोग क्या कहेंगे, जरा रुक जाओ रात जान दो फिर निकालें, वो देखे नहीं क्या तुम 10,000 की ड्रेस पहन के आए, 10,000 की क्या करोगे भैया, 10,000 की ड्रेस पहने पहली बार नहीं, ये काम करो घरे जाओ उतारे आओ बदल के आओ। पंडित जी पागल हो, 1 करोड़ का हीरा, हम तो नजर तक नहीं हटाएंगे वहां से, नजर तक, और सारी दुनिया हंसे तो। अब आगे आपकी समझ में, ऐसे ही ऊपर से एक एंगल से देखने पर तो कसायों का क्लेश है, स्त्री है, पुरुष है, रागी द्वेषी है, और एक एयरपोर्ट से देखने पर मुक्ति भी स्पर्श करती है। एक और अशुद्धता है तो एक और से शुद्धता भी है, इसका नाम अनेकान। और इसी को जानने के बाद चक्रवर्ती तीर्थंकरों ने तुम्हारी हंसी की परवाह नहीं करी, इतने बड़े राजा हो नंद दिगंबर, इतने बड़े चक्रवर्ती नंद दिगंबर, जगत की परवाह नहीं करी और दीक्षा लेके चले गए और उस कीचड़ को धो दिया। घर ले जाके क्या करोगे, वो हीरे को क्या करोगे, धो दिया। ऐसे 14 गुणस्थान का पुरुषार्थ करके उन तीर्थंकरों ने अंदर का जो भगवान आत्मा था उसे सिद्ध अलग में प्रकट कर लिया, इसको धो के अलग कर दिया। बोलो भैया गटर में से हीरा कौन निकालेगा, अनेकांत दृष्टि वाला या एकांत दृष्टि वाला, आगे समझ में आ गई सबको, देखो कठिन तो नहीं है, क्योंकि जिसे केवल गंदगी गंदगी दिख रही, गंदगी गंदगी, ये पंडित जी बदबू आ रही, अरे बदबू आने पर छोड़ दो, 1 करोड़ का हीरा आ रही वो तो सही है, बात तो सही है कि साहब ऐसा दलद दर चिपक रहो है, वो ठीक है चिपक रहो जो भी सही, छोड़ दें क्या जी, बोलो छोड़ दें क्या। ऐसे ही मोहराग देश भयानक है, बुरे हैं, अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, कर्म बंद है, आश्रम बंद है, 4 गति का कारण है। अब बोलो शुद्धात्मा छोड़ देगा, ठीक है एक एंगल तो तुम्हारा सही है, अब उसे छोड़ देंगे, अब कर्म सही है और आज तक हम छोड़ते आए। देख लो फिर किसी से चर्चा करो भैया स्वाध्याय करा करो, देखो भैया हम तो बाद में स्वाध्याय करेंगे जिस दिन मोहराग देश छोड़ देंगे, अपन यहां से अच्छा नहीं लगे, दो ही नाव पे सरावर सवार रहो, पढ़त भी रहो और करत भी रहो, हमें यहां से अंदर नहीं लगा। तो संतु नंबर 1 का एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है, तुझे गंदगी भी स्वीकार करनी पड़ेगी और गंदगी के काल में हीरा वैल्यूएबल है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा और निकालना भी पड़ेगा। अब क्या तू नाक बंद करके निकाल, चाहे जैसे निकाल, निकालना तो पड़ेगा, समझ लो अच्छी तरह से, वो हीरा 1 सेकंड में नहीं धुल जाएगा। क्यों मैं
इसी बात को फिर से कहता हूँ, क्यों स्वाध्याय कब करोगे भैया? स्वाध्याय कब करोगे भैया? जब हम राकेश नहीं करेंगे तब। मैं आपसे कहता हूँ हीरा कब निकालोगे? जब वो धुल के शुद्ध हो जाए तब। बोलो बोलो, हीरा गटर में पड़ा है, कब निकालोगे तुम? जब वो शुद्ध हो जाए धुल के, ना वो कभी शुद्ध होगा और ना तुम निकाल पाओगे। भाई साहब, इस अशुद्धता में से निकालना पड़ेगा। ऐसे इस मोह राग देश के काल में, खाने पीने के काल में, कपड़ा पहनने के काल में ही आपको मंदिर स्वाध्याय पूजा पाठ निर्णय तत्व निर्णय करना पड़ेगा। काय का कि अशुद्धता के काल में भी आत्मा, ठीक है नंद भाई? चलो अब मैं पढ़ के सुना, आप थकेंगे तो नहीं, कोई जग तो नहीं रहा। चलो सुनो, आप खुद जाके पढ़ना, कहीं का प्रिंटेड पढ़ना। चलो मैं भी कहता हूँ कहीं का प्रिंटेड पढ़ना, मतलब ये भी चक्कर नहीं कि इधर का कोई स्पेशल होगा, ऐसा नहीं, कहीं का प्रिंटेड पढ़ना। आप देखिए कलश नंबर 274, एक ओर से देखने पर, एक ओर से देखने पर, एक एंगल से देखने पर कषायों का क्लेश दिखाई देता है, ठीक है, और एक ओर से देखने पर शांति है। आगे समझ में, एक ओर से देखने पर क्लेश, एक ओर से देखने पर शांति, एक ओर से देखने पर भव की पीड़ा दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? भव की पीड़ा, कसाई की पीड़ा, चार गति की पीड़ा दिखाई देती है। यस करेक्ट, कम ऑन। और एक ओर से देखने पर, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? और एक ओर से, एक बात तो सही, तुम्हारी संसार की पीड़ा है, और एक ओर से देखने पर मुक्ति भी स्पर्श करती है। यदि एक ओर से देखो तो तुम्हें मुक्ति का स्पर्श दिखाई देगा आत्मा, मुक्ति का स्पर्श दिखाई देता है। एक ओर से देखने पर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं, एक ओर से देखो तो तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं, और एक ओर से देखने पर केवल एक 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 चैतन्य ही शोभित होता है, एक चैतन्य ही शोभित होता है। ही कार कल करेंगे, आने का याद बात है ना, कल चलाएंगे ही, एक चैतन्य ही शोभित होता है। छह बोल हो गए इसमें, छह बोल माने तीन एंगल इधर के और तीन एंगल इधर के। रिपीट करेंगे, एक ओर से कसाई, एक ओर से शांति, एक ओर से कसायों का क्लेश, कसायों का क्लेश, संसार का क्लेश, और एक ओर से मुक्ति का स्पर्श, एक ओर से तीनों लोग दिखाई देते हैं, और एक ओर से एक आत्मा ही दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल देना सरल हो जाए। क्यों, तुमने टेलीविजन देखा है बेटा? ये हमारा खनिया दाना का बच्चा है। हाँ, तुमने टेलीविजन देखा है? अच्छा, टेलीविजन में क्या क्या देखा है? आदमी, औरत, मोड़ी, मोड़ा, कार, बेकार, सब देखी ना। अब हम फिर पूछ रहे हैं, रसगुल्ला देखे ना, मिठाइयां भी दिखाता हूँ कब। अब सही सही बताना, इतनी सारी चीजें हैं कि एक टीवी अकेला है, बताओ, एक टीवी अकेला है कि वहां इतनी चीजें भी हैं जितनी इनने बताई? बोला तो कचूर। अच्छा, तो देखी नहीं फिर, तुम टीवी रोज का देखा हो ना, दो एंगल देखो, दो एंगल हो गए कि नहीं? नहीं पंडित जी, वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यार। तो हम एक काम कह रहे हैं, जब अच्छे अच्छे रसगुल्ला हो तो बना कार भी वही में खा लूंगा। जब हम कार आज तो एक आध खोल के धर ली। अरे पंडित जी, बहुत टीवी अकेली है, देखो अनेक, उसको हम अनेक एंगल से भी देखते हैं और एक एंगल से भी देखते हैं। आगे समझ में, ऐसे ही हम अनंत गेयों को जानते हैं तो लोका लोक झलकता है, और हम यदि उन लोका लोक को ना देखें तो एक आत्मा दिखता है, जैसे एक टीवी दिखता है, ऐसे एक आत्मा दिखता है। क्या जोरदार चीज है, बोलो समझ आया कि नहीं आया? है? अब पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ते हैं हमको। आत्मा की, कौन की? आत्मा की नहीं, तुमको, तुम आत्मा नहीं हो। अब बोलो क्या कह रहे हो? हाँ,
बन गई मेरी। शाबाश, क्या नाम तुम्हारा? पीयूष। हमने पहली बार देखा, तुम पहले भी आप देखा है? पहली बार है? अच्छा है? कोई का रिश्तेदार है? अरे अब भगवान आत्मा है, क्या तुम रिश्तेदार ढूंढ रहे? सुनो सुनो, तो फिर कौन हो तुम? आत्मा। आत्मा ऐसा लगता है जैसे कोई और, अपन तो ऋषभ है, पीयूष है, क्लेश है। अरे अपन तो आत्मा की, कौन की? अरे हाँ, फिर गड़बड़। अब आप गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो हम आज छुट्टी नहीं देंगे। हाँ फिर से, आत्मा की, कौन की? अब ठीक है, पूरा बोलना। अद्भुत से भी अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत बढ़ती है। अब बोलो सही करके, मेरी स्वभाव महिमा अद्भुत से भी अद्भुत जयवंत। देखो लिखा लिखा, पढ़ो आप। मैंने कुछ पढ़ा नहीं अलग से, इसी में लिखा है, वो पढ़ा। फिर से, आत्मा की अद्भुत से भी अद्भुत स्वभाव महिमा, स्वभाव महिमा, स्वभाव की महिमा, अनेकांतात्मक स्वभाव की महिमा जयवंत बढ़ती है, जयवंत बढ़ती है। ओहो, माने वस्तु कभी नहीं हारी, तुम्हारी अनंत अनंत धर्म कभी नहीं हारे, तुम्हारी अनेकांत शक्ति नहीं हारी, तुम्हारा स्वभाव नहीं हारा, तुम्हारे प्रभुता का स्वभाव नहीं हारा, जयवंत बढ़ती है। तुमने सफेद कपड़े को काला अनंत अनादिकाल से माना, लेकिन कपड़ा नहीं हारा, कौन हारेगा? तुम्हारी मान्यता हारे कि कपड़ा नहीं हारेगा, तुम इसका सफेद कपड़े को काला 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 काला, सब लोग मिलके कहने जा रहे एक साथ, ये है कपड़ा काला, बोलो जरा, बोलो तो इसमें क्या हो गया? ये जयवंत बढ़ती है। देखो, ऐसे तीन लोग इस आत्मा का विरोध करे तो भी आत्मा की स्वभाव महिमा अद्भुत से भी अद्भुत जयवंत बढ़ती है। पंडित जी आज तो कठिन मतलब करो, देखो आगे आगे सुनो आगे। बाबा बाबा नहीं, चिंता नहीं करना, बहुत जल्दी छोड़ देंगे। आत्मा का बाबा, आत्मा का कौन का? फिर कौन का? आत्मा का कौन का? अनेकांतमय स्वभाव सुनकर, अनेकांतमय, अनेकांत समझ गए आप, स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को, माने जैन नहीं है उनको, अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। इसके आश्चर्य चर्चा कल करेंगे, उन्हें भारी आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, शुद्ध भी अशुद्ध भी, इनको बाप को राज है? ये टाइम में क्या तो शुद्ध हुई है, अशुद्ध हुई है, तो कैसे हुई है? हम बताए कैसे हुई है? पपीता खाओ है? खाओ। छिलका कैसे हो? और छिलका के नीचे का माल कैसे हो? अब बोलो पपीता मीठा होता है कड़वा होता है? कहे केला कैसे होता है? अरे भी पी रही, बोलो तो कैसे पी ले? तो तुम बता केला कैसे मिला बाजार में? हरे की पी ले, खरीदा दे तो हरे की पी ले, हरे पी रे। अब सच्ची सच्ची बताइयो, हरे पी रे खाए कबू तुमने? सफेद सफेद खाओ है। क्या कह रहे देखो, क्यों तुमने कभी नरियल पिया है? नरियल नरियल पिया है? नरियल जैसे भाई साहब आप नरियल कहते हो, नरियल उसे कभी नहीं पिया तुमने, वो अंदर पानी है वो पिया है। कहते किसी को है, पीते किसी को, तो लोग में तो तुम समझदार हो, अनेकांतवादी। और जहाँ जैसे राग की बात आई तो सच्ची बात है, बहुत ही रागी दूसरी बात है, बहुत ही बात करोगे, कहाँ बताए पंडित जी नरक ही थे। आत्मा की बात आई तो एकांतवादी, और दुनियादारी में ऐसा नहीं करो भैया, अपनी आप अपने साथ अत्याचार मत करो, अपने साथ अन्याय मत करो भैया। यदि कोई कहे कि तू रागी है, सुन ये सियाद बात है, आप रागी का निषेध नहीं करो, पापी का निषेध नहीं करो, आप हाथ जोड़ के स्वीकार करो, हम रागी हम क्रोधी हैं, हम पापी हैं। क्यों? एक अपेक्षा से ये बात सच्ची है, लेकिन प्रसन्नता काय बात की है? प्रसन्नता काय बात की है? उसी समय अंतर दृष्टि से देखा जाए तो
बता इतने से बच्चे से इतना कड़क नरियल दे दू डाव लो बेटा पियो, तो उसे एक बार भी ऐसा डाउट नहीं होता कि इस तो मोटो कैसे पिए कि मम्मी नहीं बोले वो कैसे पी है जमा सगर नहीं वो तो कोई लेके रख लेगा जब वक्त पड़ेगा छेद करके पी लेगा है कि नहीं। ऐसे ही भैया एक और से देखने पर रागी देसी दिखाई देता है, एक और से देखने पर भगवान आत्मा दिखाई देता है। जब दुखी होना होता है तो हम इधर से देखते हैं और जब प्रसन्न होना होता है तो अंदर से देखते हैं। बस अनेकांत हो गया और इससे आत्मा हो गया। बाकी चर्चा पर बाद में करेंगे।